गांधी चौक में आग लगी है सुजानगढ़ की एक दुकान में। में पुणे चौकन्ने हो गए हैं क्योंकि पुणे आग की लपटें नजर आने लगी है दुकान में और फायर ब्रिगेड कर्मी पानी के पाइप के साथ आ गए हैं। कुछ चीजों को बाहर निकाला जा रहा है। दुकान के सामान को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि जमा सारा सामान जल चुका है। फायर फाइटर्स आप देख रहे हैं पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन फिर भी कहीं कहीं लपटें निकले उनको बुझाया जा रहा है। अब छत पर बोछारें फेंकी जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी भी आप देख रहे हैं पर खुद इस ऑपरेशन को देख रहे हैं आग पर काबू पाने के। कैरेट ऊपर की छत से आई है, पट्टियां गिर के ऊपर की छत पर जो सामान था वो नीचे आके गिरा है। अखबार भी है इसमें आप देख रहे हैं, ये अभी भी छत टूटी है और ऊपर से आकर ये कैरेट और ये अखबार ये रद्दी गिरा है लेकिन आग पर लगभग कब पा लिया गया है। ये फ्रिज है जले हुए, लगातार लोगों को दूर हटा रही है। आग बुझाई जा रही है, पुणे आग की लपटें नजर आ रही है दुकान में और उनको बुझाया जा रहा है। सुजानगढ़ के गांधी चौक में आज छोटी दिवाली की सुबह आग लगी है। एक किशोर सिंधी नाम के व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है और
आग पर तुरंत काबू पा लिया गया है। पुनः थोड़ी लपटें आग की नजर आ रही थी, एक बार पुनः यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पानी की बौछारें शुरू की हैं और जो हल्की फुल्की लपटें नजर आए उनको बुझाया जा रहा है। दिवाली का समय है और गांधी चौक में बहुत सारी आतिशबाजी की दुकानें भी हैं, इसलिए पुलिस पूरी चौकनी बरत रही है और बहुत सारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं। ब्रेकेट्स लगा दिए गए हैं और जिस दुकान में आग लगी उसके आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि दुकान की दीवारों में दरारें पड़ गई है, दुकान कभी भी गिर सकती है। ये दमकल आप देख रहे हैं जो आग बुझा रही है, पानी के टैंकर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरी दुकान जल गई है, गांधी चौक का दृश्य है। पुलिस लोगों को खदेड़ रही है, यहाँ से दूर भेज रही है, क्योंकि खतरा है कहीं ये दुकान गिर नहीं जाए, इसलिए आप देख रहे हैं लोगों को दूर हटाया जा रहा है यहाँ से। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और इस कटले में जाने से लोगों को रोका जा रहा है। आप देख रहे हैं दुकान के अंदर से अभी भी धुआं निकल रहा है, लेकिन अंदर कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं सारी दीवारें आप देख रहे हैं जर्जर हो चुकी है। अंदर की दीवारें बहुत सारी गिर चुकी हैं, आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी ये और 100% सामान जल गया इसका। नगर पालिका के कर्मी आप देख रहे हैं जिन्होंने आग पर काबू किए हैं, आग को बुझाया है। आग बुझाने में बहुत सारे युवाओं की भी मदद रही है जिन्होंने दमकल की मदद की है आग को बुझाने में। लोगों को उठाया जा रहा है, आप देख रहे हैं दूर भेजा जा रहा है, क्योंकि दुकान के गिरने का खतरा है। आप देख रहे हैं धुआं निकल रहा है अभी भी, क्योंकि अंदर सामान अभी भी कुछ जल रहा है, लेकिन अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दीवार जो है वो सारी फट गई है, दीवारों में दरारें हैं और ये दुकान कभी भी गिर सकती है, इस बात का पूरा खतरा है। एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी जिसमें आग लगी है और पूरा सामान जल गया, आप देख रहे हैं पूरी दुकान जल चुकी है। सुजानगढ़ के गांधी चौक में आज छोटी दिवाली के दिन ये आग लगी है और पूरी दुकान जल गई है और अभी भी धुआं निकल रहा है, हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग को बुझा दिया है। दुकान के गिरने का खतरा आप देख रहे हैं, आग से जगह जगह से दीवारें फट गई है और ये दुकान गिर भी सकती है, इसलिए पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है। सुजानगढ़ के गांधी चौक में अभी सुबह एक दुकान में आग लगी है, छोटी दिवाली का दिन है और निश्चित रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। पूरा सामान जल चुका है, पूरी दुकान जल चुकी है और दुकान की जो दीवारें हैं उनमें दरारें पड़ गई हैं और अब पुलिस को ये डर है कि ये दुकान गिर सकती है, इसलिए आसपास किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, सारे लोगों को दूर रखा जा रहा है। स्वयं DSP, CI और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को दुकान के करीब नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि ये खतरा है कि दुकान गिर सकती है। कंजेस्टेड एरिया है ये, जो कटला है उसके पास की ये दुकान है, किशोर सिंधी की दुकान है जिसमें सुबह आग लगी है, पूरा सामान जल चुका है। दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग को बुझा दिया है, हालांकि थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकल रहा है, लेकिन अब ये डर है कि ये जो दुकान है ये गिर भी सकती है, इसलिए इस कटले में जाने से लोगों को रोका जा रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से लग रहा है कि आग लगी है। दीपावली का वक्त है और दीपावली पे सबसे ज़्यादा आग लगने के खतरे रहते हैं वो आतिशबाजी के कारण, लेकिन आज छोटी दिवाली का दिन है। सुजानगढ़ के गांधी चौक में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर सुबह सुबह आग लगी है,
बहुत तत्परता दिखाई पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक की दुकान होने के कारण सारा सामान जल गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई और पुलिस अभी भी तत्परता दिखा रही है। दुकान की दीवारों पर बहुत ज़्यादा दरारें पड़ी हुई हैं और पुलिस यही प्रयास करे कि लोग करीब नहीं जाएं। इस पर हमारे साथ डिवाइस पे साहब है नरेंद्र जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पता चला कि किन कारणों से आग लगी है? अभी ये पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ कि किस कारण से आग लगी है। हम ये जाँच का मुद्दा है, ये इस पर हम जाँच करेंगे, अविलंब रिपोर्ट भी भेजेंगे। इसमें अभी आग पूरी तरह से कंट्रोल में है और चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी हमने, और पब्लिक से भी हमारी ये गुजारिश है कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक दुकान के आसपास नहीं रहे और प्रशासन और पुलिस का पूरी तरह से सहयोग करें। सर, दुकान की कंडीशन देख लग रहा है कि दुकान गिर सकती है कभी भी? ये बिल्कुल संभावना है कि ये अभी जिस तरीके से आग लगी है और इसकी दीवारें गर्म हैं तो कभी भी ये गिर सकती है। हम ये पुनः अपील करते हैं इसके आसपास कोई नहीं जावे, आम पब्लिक इससे दूर रहे। सर, आज और कल दो दिन दिवाली मनाई जाएगी, इसमें आग लगने के खतरे बहुत सारे रहते हैं, तो पब्लिक से विशेष रूप से आप क्या निवेदन करेंगे? दो दिन त्यौहार के अवसर पर हमारी यही अपील है कि हर व्यापारीगण अपने पास में सुरक्षा के पूरे व्यवस्था रखें, मिट्टी अपने पास रखें, पानी रखें, पूरी तरह से व्यवस्था रखें, ये और पूरी तरह से सहयोग करें इसमें एक दूसरे का, ताकि आग लगता ही तुरंत पुलिस प्रशासन की मदद से आमजन इसमें सहयोग करें और कंट्रोल कर सकें। आम लोगों से क्या निवेदन करेंगे? दिवाली का त्यौहार है, क्योंकि अभी तक पूरा कार्यक्रम पूरे त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। अपील हम यही करते हैं कि दीपावली और अन्य त्यौहार जो भी है वो आपसी भाईचारे का त्यौहार है, सभी मिलजुल कर इस शहर की व्यवस्था को देखें और पूरी तरह से कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन की मदद करें, और आप स्वयं भी ये देखें कि किसी प्रकार की आगजनी घटना नहीं हो। धन्यवाद बातचीत। ओके ओके। दुकानदार और परिजन भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख रहे हैं आग पूरी तरह से बुझी नहीं है, अभी भी जगह जगह से धुआं निकल रहा है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है और दुकान का सारा सामान जल चुका है। काफ़ी भीषण आग थी और ज्वलनशील चीज़ें थी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स था, प्लास्टिक के आइटम थे, इसलिए आग तेज़ी से फैली और पूरी दुकान जल चुकी है। सुल्तानगढ़ के गांधी चौक में ये आज आग लगी है, छोटी दिवाली के दिन दुकान पूरी तरह से जल चुकी है और दुकान का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और खतरा है कि दुकान गिर सकती है, इसलिए पुलिस पूरी चौकसी बरत रही है, लोगों को दूर हटाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पास में कटरा है एक। पानी की बौछारें छोड़ी जा रही है, और पुलिस अब यह देख रही है कि अब खतरा किधर से है। आप देख रहे हैं ये छत गिर गई है नीचे और गिरने का खतरा है। अभी भी यहाँ पर डटी हुई है, पुलिस लगातार सबको खदेड़ रही है। गांधी चौक की ये वो दुकान जिसमें आग लगी है, पूरी दुकान जल चुकी है और अब दुकान के गिरने का खतरा है और पास में कटरा है। सुजानगढ़ के गांधी चौक में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर आज सुबह आग लगी है और ये जो दुकान है वो उस जगह है जहाँ पर बहुत सारे पटाखों की दुकानें हैं। नगर परिषद का कार्यालय बिल्कुल उस दुकान के सामने है, फिर भी यहाँ पर जो दमकल है वो एक घंटे लेट पहुँची। नगर परिषद सुजानगढ़ के पास ऐसी दमकल नहीं है, दमकल को लाड़नों से मंगाना पड़ा, क्योंकि सुजानगढ़ की दमकल छोटी है और उसके पास इतना लंबा पाइप नहीं था कि वो दुकान तक पहुंच पाए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। दिवाली पर क्या तैयारियां हैं प्रशासन की, इसकी आज यहां पर पोल खुली है। अभी तो आज रात्रि और कल बहुत सारी आतिशबाजी होने वाली है, दिवाली का त्यौहार मनाया जाने वाला है। लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से नगर परिषद की यहाँ पर बहुत बड़ी निष्क्रियता सामने आई है। आम लोगों के सहयोग से पुलिस प्रशासन और दमकल ने मुश्किल से आग पर काबू पाया, हालांकि दुकान का सारा सामान जल गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दिवाली का वक्त है, पूरा ध्यान रखें, पूरी सावधानी बरतें और अगर इस तरह की घटना कहीं होती है तो तुरंत आप भी उसमें मदद करें और दमकल विभाग को तुरंत बुलाने का प्रयास करें।